हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने परिवार प्रेपकर में। प्रेपकर यानी क्रैकर। आज एक नई खबर आई, खबर दो तीन दिन से ज्यादा चर्चा में थी। हालांकि खबर बहुत पुरानी है, मतलब पुरानी तो इन द सेंस मैं कहूं कि 2016-17 में ही इस चीज का खुलासा हो जाना चाहिए था, लेकिन खुलासा अब हो रहा है। जब एक पुस्तक आ जाती है, जब कुछ स्कैम के कुछ घोटाले की बात करी जाती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात करूं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक इतना बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जो बहुत बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बराबर का मार्केट कैपिटलाइजेशन रख रहा है, इसमें यह कौन सा घोटाला हुआ? ये कौन से बाबा थे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को चलाते रहे और किसी को भी खबर नहीं लगी? और जितने भी डिसीजन थे वो इन बाबा के द्वारा लिए जाते थे और इन बाबा का कहीं अस्तित्व नहीं है। कहा जाता है कि ये हिमालय में रहते हैं। बस इनकी एक है तो मेल आईडी rizyazursam@outlook.com। तीनों वेदों के नाम पर ये एक मेल आईडी है जिसपे ये सारे काम हो रहे थे। इसको बड़े विस्तार से समझेंगे, क्या है ये मसला उसको भी समझेंगे। उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो बचपन में हमने आम स्कूल्स में देखी है, ये कहानी सुनी है, समझी है। एक कहानी होती है एक लड़के की जो एक लड़की के नाम से एक आईडी बनाता है और वो अपने ही दोस्तों को वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। लड़के चूंकि उस उम्र में ये होता है कि हाँ किसी से दोस्ती करनी चाहिए तो उससे बात करने लगते हैं, दोस्ती हो जाती है उनकी चैट पर और चैट पे ही वो पैसे भेजने लगता है, मूवीज के टिकट भेजने लगता है। ठीक ऐसी ही एक कहानी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को चलाने की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये कौन था जिसने फेक ऐसी आईडी बनाई? यहां कोई महिला नहीं है, यहां एक मेल आईडी थी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कहानी की शुरुआत कहां से हो रही है। ये बात चालू होती है चित्रा रामकृष्णन से। चित्रा रामकृष्णन की मैं बात बताऊं तो चित्रा रामकृष्णन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के फाउंडर्स में से एक फाउंडर ये भी थी। इन्होंने इसकी स्थापना में बहुत बड़ा सहयोग दिया और आगे चलकर फॉर्च्यून मैगजीन ने दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से 17वां स्थान दिया था चित्रा रामकृष्णन को। लेकिन वर्तमान में चित्रा रामकृष्णन के यहां पर आईटी रेड्स पड़ती हैं सारी चीजें। अब ये कहानी की क्या है, देखो सुनो। हुआ यू कि 2013 से लेकर 2016 के अंत तक चित्रा रामकृष्णन एमडी रहती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। इस दौरान ही वो एक व्यक्ति को अपॉइंट करती हैं जिसका नाम है आनंद सुब्रमण्यम। आनंद सुब्रमण्यम को वो पर्सनल एडवाइजर के रूप में भी अपॉइंट करती हैं और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ के रूप में वो अपॉइंट करती हैं, जिसका सालाना पैकेज था 15 लाख रुपए। और कुछ ही दिनों में, लगभग 15 से 16 महीने में, जिस व्यक्ति का सालाना पैकेज 15 लाख हुआ करता था उस व्यक्ति का पैकेज हो जाता है 1.68 करोड़ रुपया, माफ कीजिएगा। और उसके 15 महीने बाद उस व्यक्ति का पैकेज हो जाता है 2.39 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज। इतना बड़ा ये कैसे हुआ? एक व्यक्ति जिसे फाइनेंस की दुनिया में कोई नहीं जानता, अचानक से अपॉइंट कर दिया जाता है और उसको इस लेवल तक ले जाया जाता है कि उसे ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया जाता है, जिसके अंडर में एनएससी पूर्ण रूप से काम करती है, एक नया डेजिग्नेशन बनाया। अब इस बात का खुलासा इस तरीके से होता है कि इसके अपॉइंटमेंट के पीछे एक चित्रा रामकृष्णन का मेल है जो उन्होंने अपने तथाकथित बाबा को, योगी बाबा जो भी, जो हिमालय में रहते हैं, जो दिखते नहीं है, वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, वो एक मेल इनके सामने, मेल आपके सामने पढ़ता हूं। मेल लिखा है कि ग्रुप चीफ कोऑर्डिनेशन ऑफिसर का डेजिग्नेशन और रोल तो ठीक है, हम इसे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा निवेदन है, क्या हम इसे ग्रुप प्रेसिडेंट और चीफ कोऑर्डिनेशन ऑफिसर कर सकते हैं? ऐसे मेल एक्सचेंज होते थे इनसे, किनसे? योगी बाबा से। और इन्हीं योगी बाबा ने बार बार चित्रा रामकृष्णन पर दबाव बनाया कि वो आनंद सुब्रमण्यम को बड़ा पद दे। अब जब इनसे बात करी जाती है, चित्रा रामकृष्णन से बात करी जाती है, तो वो कहते हैं कि बाबा दिखते नहीं है। और ये एक कंसल्टेंसी है, लोग परेशान होते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उसे चीजें बताते हैं और वो उनको उनका सोल्यूशन दे देता है। मैं भी ऐसे ही कंसल्ट कर रही थी, एक बाबा है जिनका मुझे एग्जिस्टेंस नहीं पता, वो किसी को भी नहीं पता, वो मैं जहां चाहती हूं वहीं प्रकट हो जाते हैं।
ऐसे एक बाबा है, उनसे मैं कंसल्ट करती तो इसमें फ्रॉड वाली तो बात है ही नहीं। अब बात यह है, ये व्यक्ति असल दुनिया में हमें तो पता है कि एक मेल आईडी कोई चला रहा है तो कोई बाबा यूजुअली तो होगी नहीं, कोई ना कोई। और हालांकि जब सेबी ने अपनी 190 पेज की रिपोर्ट में लिखा है कि आनंद सुब्रमण्यम के डेस्कटॉप पे ही ये जो बाबा थे इनका भी मेल लॉगिन था, तो उसके हिसाब से हम ये लगा सकते हैं, यकीन कर सकते हैं कि आनंद सुब्रमण्यम ही योगी बनकर उनसे काम करवाते रहे मजबूरीवश। अब बात यह जानना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया का चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, इनके हाथों में 5 साल बागडोर रही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, अब इन्होंने किन किन को फायदे पहुंचाए, किन किन को नुकसान पहुंचाए। चित्रा रामकृष्णन की बात करूं तो ये डिविडेंड से लेकर प्रॉफिट से लेकर किसी का प्रमोशन करना हो, किसी का डिमोशन करना हो, किसी कंपनी को प्रमोट करना हो, इंटरनल डिविडेंड बांटने हो, इंटरनल रेमुनरेशन की बात करूं, कंपनी लिस्टिंग की बात करूं, सारी चीजें उनके साथ एक्सचेंज किया करते थे और वो उधर से जवाब दिया करते थे, उन्हीं के अनुसार ये काम होता रहा। अब समस्या क्या है? समस्या इस बात की है कि दुनिया का एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और भारत का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एक बाबा के, जिसका कोई पता नहीं, गुमनामी बाबा है, उसके हाथों से चलता रहा। हजारों लाखों निवेशकों ने भरोसा कर एनएससी में पैसा डाला या एनएससी की लिस्टेड कंपनियों में पैसा डाला, क्या उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है? और यदि फ्रॉड नहीं भी हुआ तो आउटसाइडर के साथ, बाहरी किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचनाओं का लेनदेन करना, आदान प्रदान करना दंडनीय होना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि 2016 के बाद सरकार क्या कर रही थी। सरकार जब रिटायर होती है, जब इन्हें निकाला जाता है, तो इनको 44 करोड़ रुपए का इनकी जो सैलरी बकाया थी वो भी क्लियर कर दी जाती है। अब आगे ये देखना होगा कि आगे इसमें क्या क्या तार आते हैं, उनमें हम नहीं जाते हैं, लेकिन कॉरपोरेट गवर्नेंस का ये सबसे बड़ा एक स्कैम सामने आया है कि किस तरीके से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन लोग चलाते हैं, उनकी क्या योग्यताएं हैं, ये कहीं भी निर्धारित नहीं होती। अब सेबी ने किया है, सेबी ने 3 करोड़ रुपए करीबन इन पर जुर्माना लगाया, आनंद सुब्रमण्यम पे 2 करोड़ का कुछ का, और एक और व्यक्ति है उनपे 6 लाख रुपए का करीबन जुर्माना है। अब इस तरीके से चलता था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक बाबा के द्वारा। इनसे बात करने पर यह भी पता चलता है कि 20 साल से ये सारी चीजें उनसे एक्सचेंज करती आई थी, सारी चीजें बताती थी, रोनी के अनुसार डिसीजन लेती थी। तो भाई अब समझने वाली बात यह है कि क्या सरकार द्वारा कोई नियम कायदे कानून या सेबी द्वारा कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिससे कि कॉरपोरेट गवर्नेंस में मिसफिट या मिसयूज वाली बात ना उछल कर आए। लगातार 2-3 बातें हो गई, जैसे असनीर ग्रोवर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, ये हो गई, इनमें लगातार कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात बाहर निकल के आ रही है। तो इस पे सरकार को कोई ना कोई कदम जरूर लेगी, सरकार इस पे कोई ना कोई चीजें बनाएंगी, स्ट्रक्चर थोड़ा सा मजबूत करेंगे ताकि जो योग्य लोग हों उन्हें वो पद मिले और उसके हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था चले। चले मिलते हैं आपको अगली खबर में, अगली चीजों के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।